मटियारी मामा के खबर दींदा हलूँ। अजीज़ गुल खेबर की रिपोर्ट मुताबिक पाको फलस्तीन फोरम जो मरकजी चेयरमैन मौलाना फतीउल्लाह उस्मानी पैजे वफद से गड भिटछा पौतो दरगाह हजरत शाब लती भिटाई से हाजिरी बैद राणा गुलाम नबी राजपूत और बन से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे इसराइल इन वक्त जंगी जुनून जो सब हदू क्रॉस कर चुको है। अकवामी मुतहदा मरी चुकी है। OIC रोजानो करारदाद मंजूर पी कर बो कुछ नथा कन बार जो कतल औरतन जो कतल अस्पताल से हमला तालीमी इदारन से हमला आबादन से हमला आम मानून से हमला सब कुछ कर चुको है। शहरन जहा शहर खंडरात में तब्दील थी चुका है। असा पाक फलस्तीन फोरम तरफा मुस्लिम उम्मत लाए अपील खड़ी निकता है। पाकिस्तान एक ताकत है। उम्मत मुस्लिम जो एतमी असासो असा वटे अमानत है। अगर अमेरिका इसराइल गड थी जारत जुल्म कन था त पाकिस्तान के गजल तौर एक वो इजलास घुरान घुर्ज। निगरान हुकूमत सभी जमायतन के एक प्लेटफॉर्म से गड कर पाकिस्तान तरफा एक पैगाम मनन घुर्ज। जी परवेज मुशरफ के दौर में अड़ो वाक्य थो त उन सभी के घुरा हो पार्लियामेंट फैसलो दिनों हो तो एटम बम असा शबे बारात ला तैयार न किया है। शो पीस ला एटम तैयार न किया बल्कि उम्र के मफाद ला ठायो है। असा के भी एक अड़ो मौसर जवाब दियण घुर्ज। फलस्तीन ला पाकिस्तान में इमदादी सामान गड कर मोकलो वो काफलाई इशारे में रजाकार की भर्ती भी कई पी वे। असा फलस्तीनी आवाम की हर मुमकिन मदद कंदी उन सिलसिले में सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में दौरा कर रहा है।